हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड इवनिंग सबको। एक नया इनिशिएटिव, एक नई पहल जो उत्कर्ष लॉ क्लासेस पहले भी करता आया है, उसी दिशा के अंदर एक और कदम। और आज की बात, मंडे टू सैटरडे हम डेली शाम को क्या करेंगे, एक लैंडमार्क जजमेंट के केस की पूरी कहानी को समझेंगे, उसे अपने कानून में अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ उसका बेनिफिट अपने जुडिशियल प्रिपरेशन की तैयारी के अंदर उठाएंगे। देखिए, आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज जिस केस की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये कहानी पर्सनली मेरे लिए भी बड़ी इमोशनल चीज़ है अपने आप में, क्योंकि ये केस भारत के इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट था जिसने न केवल एविडेंस लॉ के लीगल सिनेरियो में परिवर्तन किए, बल्कि जो एक मॉरल लाइफ होती है ना हस्बैंड वाइफ की, एक लड़का लड़की जो शादी से पहले एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने होने वाले हस्बैंड या होने वाली वाइफ के प्रति, उसके बारे में भी एक बहुत कुछ अच्छी मिसाल देने वाला ये केस था। और इस केस का नाम है शरद बिरदीचंद चारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984। लेकिन दोस्तों, इस जजमेंट को हमें एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हटाकर एक बार इसकी पीछे की इमोशनल स्टोरी को सुनना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जो चीज़, जो कानून, जो जजमेंट हमारे से इमोशनली अटैच हो जाता है, उन चीज़ों को हम अच्छे से लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेव रख सकते हैं। ये फैक्ट है, ये सेटल्ड फैक्ट है। बेसिकली ये जो कहानी है ना, ये कहानी एक अनफॉर्चुनेट मैरिड वुमन की है, एक दुर्भाग्यशाली विवाहित महिला की। इस महिला का नाम था मंजूश्री उर्फ मंजू। हुआ यूं था कि 12 जून 1982 के अंदर सुबह एक तक्षशिला अपार्टमेंट, पुणे, पुणे शहर है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे तक्षशिला अपार्टमेंट के अंदर सुबह मॉर्निंग के अंदर बेड पर इस महिला की डेड बॉडी मिली। वो डेड बॉडी इस कंडीशन में थी कि ना तो उसके शरीर से ऐसा कुछ लग रहा था कि कोई धक्का मुक्की, कोई फाइटिंग हुई हो, ना कोई चोट के निशान थे, ना ही कुछ और थे। बिल्कुल एक लेमैन जैसे सोता कैसे है, वैसे उसकी बॉडी पड़ी हुई मिली उसके बेड पर। तारीख याद रखना, क्योंकि कानून की कहानियों में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो होता है डेट, इवेंट, पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर वो चीज अक्कड़ हुई है। तो 12 जून 1982 को सुबह डेड बॉडी मिली, ठीक है, लेकिन यहां पर तो भैया केस की शुरुआत होती है। बेसिकली इसकी कहानी इससे 4 महीने पहले फ्लैशबैक में जाकर पता चलेगी क्या हुआ था कि 11 फरवरी 1982 को उस महिला की शादी हुई थी शरद नाम के व्यक्ति से। तो मंजूश्री की शादी होगी शरद से, कब हुई? 11 फरवरी 1982 को। अब ये जो मंजूश्री थी, ये अपनी लाइफ में क्या है, बड़ी इमोशनल टाइप की पर्सन थी, इम्प्रेशनल पर्सन जिसको कहा जाता है। बहुत उसको होप थी कि उसका जो होने वाला हस्बैंड है एक आइडियल होगा, आदर्श होगा, उसके अंदर वो सारी चीज़ें होगी जो कह सकते हैं कि ही इज़ माई बेस्ट वन वगैरह। तो उन सारी होप के साथ जब उसकी शादी हुई और फर्स्ट टाइम वो अपने इन लॉज के यहाँ पर आई पुणे, तो मामला चेंज। कई बार होता है ना, एक्सपेक्टेशन लाइफ में हाई होती है, लेकिन वो चीज़ हमें अगर नहीं मिलती है तो हम अचानक टूट जाते हैं। वैसा ही कुछ हुआ इस मंजूश्री उर्फ मंजू के साथ में। शादी के बाद लगभग उसने, शरद ने एक उज्ज्वला नाम की लेडी से मंजू को मिलवाया और बेसिकली उसने उसको टॉन्टिंग वे में कहा कि आपसे तो मैंने सिर्फ फॉर्मल तरीके से शादी की है, बेसिकली मेरी लाइफ की जो मिस्ट्रेस है ये उज्ज्वला होगी और आपको इसका सारा डायरेक्शन मानना है, इसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। इस बात से वो मंजू बड़ी हर्ट हो गई थी, क्योंकि वो पहले भी एक तरीके से हर्ट तो थी, क्योंकि इसे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसे इन लॉज नहीं मिले, एक वो हस्बैंड जो उसको चाहिए था वो नहीं मिला, या हस्बैंड उसको उस तरीके से रेस्पेक्ट, प्यार नहीं, लव अफेक्शन नहीं दे रहा था। तो फिर वहां से फिर वो अपने पेरेंट्स के घर वापस आ गई। पेरेंट्स के वहां पर आई सडनली, फिर दो बार, ये सेकेंड राउंड था जब वो वापस अपने पेरेंट्स के घर पे आई थी। थर्ड टाइम लगभग 4 या 5,
उसमें जून 1982 के अंदर जो शरद के पिता थे वृद्धिचंद जी, उन्होंने फोन किया अपनी बहू को और कहा कि 13 जून को क्या है उसके सिस्टर इन लॉ यानी कि शरद की बहन की सगाई का फंक्शन है, तो उनसे उसे रिक्वेस्ट की और कहा कि आप एक बार आ जाओ। तो लगभग 4 या 5 जून को मंजू थी वो वापस अपने पुणे वहाँ पर आती हैं अपने ससुराल वालों के यहाँ पर। अब सुनना यहाँ से कहानी पूरा इंटरेस्टिंग टर्न लेने वाली है। तो वहाँ पर आई 11 जून की रात को, देखिए उसकी डेड बॉडी कब मिली थी, 12 जून को मॉर्निंग के अंदर उसके बेडरूम में। 11 जून की रात को क्या हुआ कि वो अपने शरद का एक और भाई था, शरद का एक ब्रदर था रामेश्वर, तो रामेश्वर की वाइफ थी अनुराधा, वो मंजू अनुराधा और अनुराधा का एक और बच्चा था, वो एक पार्ट फंक्शन से अटेंड करते हुए रात को 11 बजे लगभग वहाँ पर पहुँचे। कहाँ पर? अपने घर पे, जहाँ वो मंजू रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। तक्षशिला अपार्टमेंट अलग अलग फ्लैट में रह रहे थे, शरद अलग फ्लैट में रहता था और उसका जो भाई था रामेश्वर वो एक अलग फ्लैट में रहता था। तो फ्लैट में 11 बजे पहुँचे और उस समय शरद वहाँ पर नहीं था, शरद वहाँ पर नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद प्रोसिक्यूशन का, अभियोजन का ये कहना है कुछ समय बाद शरद वहाँ पर आ गया था उस फ्लैट के अंदर, और फिर अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिलना। यहाँ तक का मामला है। अब रात को 11 बजे के बाद में और सुबह होने तक बीच में ऐसी क्या घटना घट गई कि उस मंजू की सीधी लाइफ खत्म होगी, डेड बॉडी मिल गई उसकी वहाँ पर, क्या हुआ उसके अंदर? इस केस के अंदर कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। ध्यान रखना, हमारा कानून ये कहता है कि एविडेंस हमेशा बेस्ट कब होता है, जब वो डायरेक्ट हो, खासकर ओरल एविडेंस हो तो बेस्ट होना ही चाहिए। तो कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था वहाँ पे, ना कोई आई विटनेस था इस चीज़ को लेकर। तो क्या किया हुआ कि वहाँ पर पुणे का जो एडिशनल सेशन जज का जो कोर्ट था वहाँ पर मामला हो स्टार्ट हुआ। अब इस दरमियान एक और चीज़ सुनिए, वहाँ पर प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि इस शरद ने अपने भाई रामेश्वर और वहीं पास में रहने वाले एक अंकल थे, इनका नाम था राम विलास जी, उनके साथ मिलकर इस मंजू को मारने की क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की है, उसको मारा है। और ये प्रोसिक्यूशन इस बात पे कह रहा है क्योंकि मंजू ने उस समय से पहले 3 अलग अलग लेटर लिखे थे, एक तो अपनी बहन अंजू को, 2 लेटर अपनी बहन अंजू को लिखे और एक उसकी कोई फ्रेंड थी वाहिनी करके, उसको उन्होंने लेटर लिखा। और लेटर में उन्होंने किस बात का जिक्र किया, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई मैरिड लाइफ, मैं अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हूँ, मुझे नौकरों की तरह ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हस्बैंड मुझे प्यार नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह उसने अपनी सारा दर्द बताया। उस लेटर्स में ये भी पता चल रहा था, हालांकि लेटर्स में कहीं पर भी ये बात जिक्र नहीं था कि वो मेरा मर्डर कर सकता है वगैरह, ऐसा कोई जिक्र नहीं था। बट कहीं कहीं वहां पर क्या था, इस बात को लेकर एक संशय था, डाउट था कि कहीं कहीं हो सकता है शरद ने उसको मारा हो, क्योंकि उससे पहले उसने जो लेटर्स लिखे हैं वो इस आधार पर लिखे गए थे। हालांकि उन लेटर्स के अंदर, चूंकि वो इमोशनल लेडी थी, तो उसने अपनी बहन अंजू से ये भी कहा था कि ये लेटर्स पिताजी को मत दिखाना क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा, धक्का लगेगा कि उनकी बेटी खुश नहीं है ससुराल के अंदर। तो इससे उसके एक रिजर्विंग जो नेचर होता है कि वो हर चीज़ अपने सीक्रेट रखना चाहती हैं, वो भी पता चल रहा था मंजू के बारे में। क्योंकि कहानी में जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है तब क्या करना पड़ता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य होते हैं, इनको एक बाय चेन कनेक्ट करके हमें क्या करना पड़ता है, कहानी के एंड तक पहुंचना पड़ता है और पता लगाना पड़ता है कि भैया कौन बेगुनाह है और कौन मुजरिम है। यहां पर भी यही चीज हुई। तो अब देखिए, वो लेटर्स लिखना, उसके बाद जब उसकी डेड बॉडी का, अच्छा ये जो मंजू थी ना, ये अपने आप में केमिस्ट भी थी, मतलब केमिस्ट का मतलब केमिकल का कहीं के उसने एक डिग्री ले रखा था, और जो शरद था ये भी केमिकल के अंदर, इसने केमिकल जो साइंस होती है उसके अंदर इसने क्या कर रखा था, ग्रेजुएशन कर रखी थी, और वहीं पर वो केमिकल की फैक्ट्री भी चला रहा था। तो जब उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो वहां से पता चला कि इसने पोटेशियम साइनाइड इसकी बॉडी में चला गया, एक पॉइजन होता है, एक जहर होता है, पोटेशियम साइनाइड इसकी बॉडी में गया हुआ है, ये डॉक्टर ने रिपोर्ट की। अब डॉक्टर को लेकर भी इस कहानी में बड़ा संशय था। जिस तक्षशिला अपार्टमेंट में रह रहे थे वहां पर ऑलरेडी 2 डॉक्टर थे, एक डॉक्टर कहेंगे थोड़ा सा हो सकता है स्किन स्पेशलिस्ट था और दूसरा बच्चों को देख पीडिस्ट्रियन जो डॉक्टर होता है वो था उसकी वाइफ। लेकिन उन्होंने
जब ये मामला शरद को पता चला कि उसकी वाइफ डेडवर्ड, ये शरद का कहना है स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर, तो उसने क्या किया, अपना जो फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर लोढ़ा अपने भाई को भेजा और उसको उन्होंने बुलवाया। डॉक्टर लोढ़ा ने फिर एक और डॉक्टर बुलाया और फिर कंफर्म किया कि नाउ सी इज डेड। तो यहां पर मामला अभियोजन का ये भी था कि देखो अगर इनको बचाना ही होता तो ये 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जाके डॉक्टर लोढ़ा के पास क्यों जाते, वो उसी फ्लैट में रहने वाले दूसरे डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए। तो इस तरीके से अभियोजन ने क्या किया, एक से एक इस चीज़ के ऊपर आरोप लगाए और आरोप भी लगाया गया 302 के साथ में 120B, यानी कि मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब यहां पर शरद के साथ साथ उसका जो भाई था और उसके जो अंकल थे दोनों को भी को एक्यूज बनाया गया और उन पर भी उन्होंने 201 जहां पर एविडेंस को डिसअपियर किया जाता है, 201 और 120B का चार्जेस उन पर भी लगाया। अब जब पुणे सेशन कोर्ट ने ट्रायल की तो सेशन कोर्ट ने क्या कर दिया, इनको यहां पर कन्विक्ट कर दिया। कन्विक्ट किस आधार पर, सिर्फ सर्कमस्टेंशियल आधार पर। एक डॉक्टर बनर्जी थे जिन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया था और ये कहा कि हाँ इसको तो पोटेशियम जो साइनाइड है पॉइजन है वो कंज्यूम करवाया गया है, ऐसा कहना था उस डॉक्टर की रिपोर्ट के अंदर, मेडिकल रिपोर्ट। तो कन्विक्शन का दो आधार, कौन से दो आधार, वो लेटर्स और ये मेडिकल रिपोर्ट। अच्छा उन लेटर्स को कैसे आधार बनाया गया, उन लेटर्स को कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन माना। अब हालांकि सेक्शन 32 के अंदर जो क्लॉज 1 है वो अपने आप में दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है, एक तो कहता है कि अगर वो स्टेटमेंट जो कॉज ऑफ डेथ बताता है, मृत्यु के पीछे क्या कारण रहा है उसके बारे में बताएं, और दूसरा पार्ट जो उसके सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताएं तो वो डाइंग डिक्लेरेशन कहलाता है। तो इन लेटर्स के आधार पर और इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वहां के एडिशनल सेशन कोर्ट ने इनको कन्विक्ट कर दिया। 302 के तहत शरद को फांसी की सजा दे दी गई, मृत्युदंड की सजा दे दी गई और सिमिलरली क्या हुआ, बाकी के दो को भी 2 साल का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दे दिया गया, किन्हें, उसके भाई को और उनके अंकल को। अब कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, लॉ के अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे से सुनना, यहां पर क्या किया गया, एडिशनल सेशन कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस दी गई, मृत्युदंड दे दिया गया। तो हम सब लोग ये जानते हैं कि एक डेथ सेंटेंस होती है तो उसको कंफर्म करवाना पड़ता है कहां पर, हाई कोर्ट के पास। तो एक तो हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन केस भेज दिया गया, नंबर वन। दूसरा, शरद और उसके जो भाई और अंकल हैं उन्होंने अपील की हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच में मामला गया तो अपील का केस भी चल रहा है। और तीसरी तरफ स्टेट ने भी रिविजन फाइल कर दिया इस बात को लेकर कि जो बाकी के दो को जो सजा दी गई ना 2 साल की वो कम है, तो अनएडिकेसी ऑफ सेंटेंस के आधार पर स्टेट ने रिविजन फाइल कर दिया। तो एक साथ 3 मामले चल रहे हैं, कौन कौन से 3 मामले, इधर कंफर्मेशन केस भी चल रहा है हाई कोर्ट के पास, उधर अपील का केस भी आ गया और तीसरा रिविजन का केस भी आ गया। तो तीनों केस हाई कोर्ट के पास है, समझना, 3 चीजें हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, तीनों को कंबाइंड कर दिया। और वहां पर हाई कोर्ट ने भी सारी बातें समझी और फाइनली उन्होंने क्या कहा कि हाँ कंफर्मेशन कंफर्म्ड, बाकी को 2 को तो एक्विट कर दिया उन्होंने, दोषमुक्त कर दिया, जो उसका भाई था रामेश्वर और जो रामविलास उनका अंकल थे उन दोनों को तो क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया, दोषमुक्त कर दिया गया, लेकिन उसकी जो 302 की सजा थी शरद की उसको कन्फर्म कर दिया गया। अब यहां पर SLP स्पेशल लीव पिटिशन, अब हाई कोर्ट ने उनको क्या है सर्टिफिकेट नहीं दिया इस बारे में आगे जाने का या जो भी कारण था, शरद ने क्या किया SLP फाइल की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि जो आर्टिकल 136 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो SLP को सारे मामलों में एंटरटेन नहीं करता है, वो सिर्फ कोई अगर स्पेशल केस बन रहा हो या ग्रॉस एरर ऑफ लॉ हो गई हो तो उन मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर। लेकिन ये मामला इंटरफेयर करने लायक था, क्या कारण था कि इंटरफेयर करना जरूरी है, वो ये था क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ऑफ लाइफ है, एक व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दे दी गई है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो अपने आप में अपेरेंटली प्रॉपर नहीं लग रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चला और वहीं से मेन कहानी स्टार्ट होती है कि क्यों इस केस को एविडेंस का शानदार और मेमोरेबल और फॉलो करने वाला जजमेंट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया कि इसमें जो जो बातें बताई जा रही ना, प्रोसिक्यूशन जो आरोप लगा रहा है उनको प्रोसिक्यूशन अपने लेवल पर सटीक रूप से कंक्लूसिव रूप से प्रूफ नहीं कर पा रहा है। अब सामने क्या डिफेंस में थोड़ी कमी रह गई है,
जो डिफेंस है शरद का, जो एडवोकेट वगैरह था, उसमें कमी रह गई थी। कहाँ पर? सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में। अच्छा, ये केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस शरद वृद्धिचंद शारदा की पैरवी चार एडवोकेट ने की थी। उनमें से सबसे सीनियर एडवोकेट था राम जेठमालानी। राम जेठमालानी साहब ने, और एक और नाम था रानी जाट जेठमालानी, और दो एडवोकेट और थे जिन्होंने यहाँ पर शरद के केस की पैरवी की थी और पॉजिटिवली, और इसमें जीत भी गए थे वो। बट सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुँचने और जीतने के बीच की जो पीरियड है, बीच का जो टेन्योर रहा ना, कहानी रही ना, वो बड़ा शानदार है। क्या हुआ था वहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो मान भी लें कि प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि उस रात 11 बजे जब वो मंजू रूम पे आई थी तो उसके बाद वो आया था कौन? शरद। चलो अब शरद आ भी गया तो कौन कौन से हाइपोथेसिस बन रहे हैं कि शरद ने उस 11 बजे के बाद में और सुबह सुबह होने से पहले उस दरमियान उसको पॉइजन कंज्यूम कराया। अच्छा, एक चीज़ तो कन्फर्म थी कि पोटेशियम साइनाइड उसकी बॉडी में मिल गया, ये चीज़ तो कन्फर्म था, इसको लेकर डाउट था नहीं। अब डिफेंस का शुरू से यही कहना है कि ये अपने आप में थोड़ी सी संवेदनशील महिला थी तो ये इस तरीके से ने सुसाइड कमिट कर लिया, जानबूझ के खुद एजो पोटेशियम साइनाइड कंज्यूम किया है, ये डिफेंस का कहना था। और प्रोसिक्यूशन कहना है कि नहीं, मर्डर किया गया, तीनों ने मिलकर मारा इस तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो सर्कमस्टेंसेज थी उन सबको कंसिडर किया, और मैं दो सर्कमस्टेंसेज आपके सामने जरूर बताऊंगा। पहली सर्कमस्टेंसेज, अभियोजन का ये आरोप था कि साहब हो सकता है कि 11 बजे बाद उसने उसको फोर्सफुली जहर कंज्यूम करवाया हो, वो पॉइजन कंज्यूम करवाया हो। तो इसको क्रॉस करने वाली सामने राम जेठमालानी जी की दलील थी कि अगर ऐसा हुआ है तो महिला की बॉडी पर किसी भी चोट का निशान क्यों नहीं होता है। देखो, अगर आपसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ कराई जाए तो कहीं के हाथापाई होगी दोनों के बीच में, या वो चिल्लाएगी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ना ही उसकी बॉडी पर ऐसे कोई निशान, तो ये तो हो नहीं सकता कि फोर्सफुली उसको कंज्यूम करवाया गया हो। तो ये सर्कमस्टेंसेस हट गई, कैंसिल होगी। दूसरी सर्कमस्टेंस ये कि हो सकता है कि उसको क्या किया गया हो, गिलास के अंदर पानी के अंदर पोटेशियम मिला के पिला दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि वो एक केमिस्ट थी, कौन? मंजू खुद। तो जब हमारे पास, हम जो पानी पीते हैं उसमें कुछ मिला हुआ, उसका टेस्ट अलग आता है, और खासकर आप केमिस्ट हो तो आप तो दो मिनट में आइडेंटिफाई कर लोगे कि नहीं, ये पानी ठीक नहीं है। तो ये भी हो नहीं सकता क्योंकि आपको इस तरीके से उसने पिला दिया गया हो। तो कहने पर कहीं पर भी कोई सर्कमस्टेंसेस उसके अगेंस्ट बन नहीं रही थी सिवाय एक को छोड़कर। वो एक कौन सी थी? देखिए, हियर से एविडेंस होते हैं, अनुश्रुत साक्ष्य, मतलब जो डायरेक्ट नहीं होते ना, उनको हियर से कहा जाता है। लास्ट जो उसकी अपीयरेंस थी किसके पास? मंजू के पास में, वो शरद की थी। लास्ट जो अपीयरेंस थी 11 बजे वो फ्लैट में आ गई थी, उसके बाद तो एकमात्र शरद ही था जो नाइट के अंदर वहां फ्लैट के अंदर गया था उसमें वहां पर। तो लास्ट अपीयरेंस के ग्राउंड पर, और आप जो मेडिकल रिपोर्ट और ये जो लेटर्स हैं इनके ग्राउंड पर जो कन्विक्शन दी गई, इसको हाईकोर्ट ने सेट असाइड किया। हाईकोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको सेट असाइड कर दिया और कहा कि क्रिमिनल लॉ का ये नेचुरल सिद्धांत है कि बर्डन प्रोसिक्यूशन पर रहता है ना कि एक्यूज पे। सिर्फ इस आधार पर कि एक्यूज अपनी डिफेंस इफेक्टिव रूप से नहीं कर पा रहा है, आप प्रोसिक्यूशन की कमी को सेट ऑफ नहीं कर सकते। प्रोसिक्यूशन को स्ट्रांगली क्या करना पड़ेगा, कंक्लूसिवली केस को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर दो सर्कमस्टेंसेस बन रही है, पहला प्रिजम्पशन बन रहा है कि शायद ऑफेंस हुआ होगा, और दूसरा बन रहा है कि शायद ऑफेंस नहीं हुआ होगा, तो हमेशा प्रिजम्पशन कौन सी ली जाएगी, एक्यूज, अभियुक्त के फेवर में, और ये माना जाएगा कि एक्यूज ने ऑफेंस नहीं किया है, वो इनोसेंट है। तो उसके बेनिफिट और जो डाउट है वो किसको मिलना चाहिए, एक्यूज को मिलना चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने आप में बहुत बड़ी ग्रेव एरर की है ये। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, अगर आप इनको कंसिडर कर रहे हो तो उस केस के अंदर आप एक पांच टेस्ट, पंचशील टेस्ट, ध्यान से सुना इस वर्ड को, पंचशील टेस्ट का एक फंडा बताया गया कि इसको फॉलो किया जाएगा, जिसको रेगुलर क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे ECC मेथड के माध्यम से, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी और अन्य चीज़ें भी हैं। तो क्या होगा वहाँ पर कि वो ECC, मतलब आप सारी चीज़ों को इस्टाब्लिश, कंक्लूजिव इस्टाब्लिश करो, दूसरा कोई हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए वगैरह, कंप्लीट चेन बननी चाहिए, वो जब चीज़ें पंचशील टेस्ट आपका सेटिस्फाइड हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ उस केस के अंदर आप क्या करोगे, एक्यूज को सजा दे सकते हो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर। तो यहां पर इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस केस को शॉर्ट आउट किया। अच्छा, एक आरोप इस पर और भी लगा हुआ था,
वो जो आरोप था ना कि उसने डॉक्टर भल्ला को 1.5 किलोमीटर दूर जाके क्यों बुलाया, उसके फ्लैट के अंदर भी तो दो एडवोकेट थे, दो डॉक्टर थे सॉरी, तो वहां पर बड़ा क्लियर कट एविडेंस था। अरे भाई वो जो डॉक्टर थे, पहली बात तो फैमिली डॉक्टर थे नहीं उसके, नंबर वन, और दूसरी बात ये कि एक तो बच्चों का डॉक्टर था, दूसरा स्किन का स्पेशलिस्ट था। हो सकता है उस सिचुएशन में इनको लगा हो किनको, शरद को, उसके भाई रामेश्वर को और उसके अंकल रामविलास को, कि भाई इनसे तो ये मामला बनेगा नहीं, ये तो सीरियस मामला है, इसीलिए उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को अप्रोच किया। तो कहने का मतलब सारे जो चेंज जो बातें आ रही थी ना, वो एक्यूज के अगेंस्ट ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। हालांकि एक्यूज इस बात को अपने आप में प्रूफ नहीं कर पा रहा था कि भाई ये सब कैसे हुआ, उसका तो एक ही कहना था कि साहब इसने सुसाइड की होगी। तो उन सब लेटर्स को देखते हुए डाइंग डिक्लेरेशन जिसको माना गया था, कोर्ट ने कहा कि इन लेटर्स को पढ़ भी, अच्छा उस लेटर्स में क्या लिखा होता, लेटर्स में वो अपनी बहन से लिखती हैं कि ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, इसको प्लीज़ मम्मी पापा के साथ शेयर मत करना, उनका दिल छोटा है, वो बात ही सहन नहीं कर पाए वगैरह वगैरह। तो कहीं कि वो मतलब एक रिजर्व नेचर का, इमोशनल नेचर का, बेसिकली हुआ क्या, फैक्ट ये है, जब कहानी कंक्लूड हुई तो कहानी का सार ये मिला कि वो जो महिला थी ना, वो कहीं की थोड़ी सी संवेदनशील बहुत ज़्यादा थी, संवेदनशील बहुत ज़्यादा थी, इमोशनल थी, हर चीज़ को लेकर उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि उसका हस्बैंड एकदम आइडियल पर्सन होगा। और जब ये एक्सपेक्टेशन वास्तविकता में नहीं मिलती है ना, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस पूरे केस से ना शरद बृजेश शारदा और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हालांकि देखो 4 महीने के अंदर किसी महिला की शादी होने के बाद 4 महीने के अंदर उसकी डेथ होना, डेड बॉडी मिलना अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यशाली चीज़ होती है, और ये भारतीय समाज के अंदर देखा जाए तो बहुत ही दर्दनाक वाली बात भी रहती है, न केवल उस महिला के लिए बल्कि उनके माता पिता के लिए भी, उनके जितने भी नोन पर्सन हैं वहाँ पर, उन सब के लिए। तो कहने का मतलब इस कहानी के माध्यम से हमें दो चीज़ें एक्सपेक्ट समझना है। पहली बात तो सरकमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर एविडेंस लॉ को और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला, बनाने वाला जजमेंट था वो कौन सा था, शरद बृजेश शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 के अंदर ये जजमेंट दिया गया था 17 अप्रैल 1984 को। लगभग 2 साल इसकी प्रोसीडिंग चली। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि तीनों एक साथ, रिविजन भी साथ में, अपील भी साथ में और कन्फर्मेशन भी साथ में, तीनों एक साथ हाईकोर्ट ने डील किया था। इसमें इनके सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे, फैजल अली साहब थे, मुखर्जी साहब थे और एक और थे, इनका नाम शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वृद्ध राजन जी, राइट, जस्टिस वृद्ध राजन जी, इन तीनों के द्वारा क्या किया गया था, इस चीज़ को, इस केस को सुना गया था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सारी बातों को डिटेल, मिनट टू मिनट की प्रोसीडिंग को उन्होंने अपने जजमेंट के अंदर मेंशन किया। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें सीखनी है, एक तो सरकमस्टेंशियल एविडेंस में किस तरीके से रोल होता है, किसका, किसी को पनिशमेंट को कंफर्म करने का नहीं करने का वो जानना जरूरी है, और दूसरी बात है मॉरल एस्पेक्ट पर। तो मॉरल एस्पेक्ट पर हमें दोनों को, एक बींग अ बॉय और बींग अ गर्ल, दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ में इतना भी ओवर एक्सपेक्टिव नहीं बनना, क्योंकि वास्तविकता चेंज हो तो हमारे लिए नुकसानदायक बन जाती है। ठीक है, तो इस केस के माध्यम से मैं ऐसे इतना डील करना चाह रहा हूँ कि कई बार हम जब लॉ पढ़ते हैं ना और वो सिमिलर चीज़ हमें मिल जाती है, जैसे नेक्स्ट टाइम आपके पास सेक्शन 32 क्लॉज 1 पढ़ो तो ढूंढना उसके अंदर क्या उसमें सिर्फ कॉज ऑफ डेथ के बारे में बता रखा है या सरकमस्टेंसेस के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये जानना ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये कहीं और भी रिलेवेंट हो सकती है क्या, तो इसके संबंध में अलग अलग प्रावधान आते हैं। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहीं पर भी परिभाषित नहीं है एविडेंस के अंदर, फिर भी इसकी बहुत बड़ी वैल्यू। अच्छा ध्यान रखना, डाइंग डिक्लेरेशन भी अपने आप में एक हियरसे एविडेंस है, एक अनुश्रुत साक्ष्य है, लेकिन ये अनुश्रुत साक्ष्य के एविडेंस की वैल्यू का एक एक्सेप्शन है। सामान्य रूल क्या है कि हियरसे एविडेंस कोई एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट एविडेंस नहीं होता है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो ये कहानी थी शरद बृजेश शारदा की। कल फिर जरूर मिलूंगा मैं आपको इसी समय 8 बजे, और मैं प्रयास करूंगा दिल्ली जितने भी लैंडमार्क जजमेंट हैं उनको हम इस तरीके से इस आधे घंटे 25 मिनट 30 मिनट की क्लास के अंदर समझें और अप्लाई करें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि अगर केस लॉ की कहानी हमें पता हो ना तो उसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी शरद और मंजू की ये कहानी जो आपने सुनी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे अच्छा पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करना कमेंट बॉक्स के अंदर। आपका फीडबैक मेरे लिए ही सही मायनों के अंदर मेरी मेहनत का फ्रूट रहेगा, फल रहेगा।
और रेगुलर क्लासेस आप में से कई लोग जानना चाह रहे थे, रेगुलर क्लासेस बिल्कुल आरजेएस का रेगुलर बैच जोश के साथ स्टार्ट हो चुका है और क्रिमिनल पेपर्स को हमने स्टार्ट कर दिया है और नो डाउट हिंदी और रेगुलर्स की जो क्लासेस वो भी रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगी 2-3 दिनों के अंदर। उसके साथ ही ये जो शाम का समय रहेगा ये केस लॉ की कहानी के आगे के एपिसोड इसी तरीके से हम और जुड़ते चलेंगे आप लोगों से। चलिए सबका थैंक, बिल्कुल बिल्कुल नेमीचंद जी, शुभांगी मंगल जी, सबको धन्यवाद। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय शाम को 8 बजे। नमस्कार।